विशेष मंगलाचरण में नाम लिया, सामान्य मंगलाचरण में केवल भक्त भगवान इन विशेषणों के द्वारा उनकी वंदना की। श्री गुरु श्री कृष्ण श्री चैतन्य श्री ईश ईशावतार तत्प्रकाश चैतन्य देव इनकी वंदना की, दूसरे मंगलाचरण में नाम लेकर के उनकी वंदना की कि श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद ये प्रकट हुए। अब तत्व रूप में श्री भगवान की वंदना कर रहे हैं कि यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोऽस्य तमोभाव, इसमें तत्व रूप में वंदना की। अब चौथे श्लोक में श्री महाप्रभु उनकी जो अवतार का सामान्य प्रयोजन श्री हरिनाथ का दान करना और प्रेम का दान करना, ये श्री महाप्रभु के अवतार का जो सामान्य प्रयोजन है उस सामान्य प्रयोजन को निरूपण कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु जो इस ग्रंथ के उपास्य देवता हैं उनकी आराधना कर रहे हैं कि अनर पिक्चरिंचरा करुणयावती नकलौ समर्पयत मुन्नतो ज्वल रसाम स्वहक्त श्रियम हर पुरट सुंदर द्विति कदम संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतः शचीनंदन। उन श्री शचीनंदन हमारे हृदय में स्फुरित हो। शचिनंदन कहने का तात्पर्य है कि संबंध ज्ञान के साथ में भी श्री हरि हमको भी अपना परकर माने। यदि कोई शचिनंदन कहकर के भगवान का उच्चारण करता है, नाम लेता है श्री महाप्रभु का, तो महाप्रभु समझते हैं कि अरे ये व्यक्ति मेरी माँ शची के परकर का है, मेरी माँ के प्रति आदर रखता है, तो महाप्रभु की कृपा जल्दी हो जाती है। शचिनंदन शब्द महाप्रभु को सबसे ज्यादा प्यारा है, इसलिए क्योंकि महाप्रभु मातृवत्सल है। महाप्रभु के जहां शास्त्र नाम रूपण किए गए वहां पर एक महाप्रभु का नाम है मातृवत्सल, माता पिता इनके प्रति अत्यंत, माँ के प्रति शची माँ के प्रति अत्यंत अत्यंत वात्सल्य धारण करने वाले श्रीमद् महाप्रभु शची वत्सल। इसलिए यदि कोई शची नंदन कहकर के निरूपण करता है तो महाप्रभु के हृदय में एक भाव आता है कि ये मेरी माता के प्रति आदर का भाव रखता है, इसलिए इसके ऊपर मैं विशेष रूप से कर पाता हूं शचिनंदन। श्री महाप्रभु अनर्पित चरिन चरा कृष्णचंद्र मन में विचार कर रहे हैं कि बहुत दिन से मैंने अपनी उस भक्ति को नहीं दिया जिसको मुझे देना चाहिए था, अर्थात भावोल्लासमयी जो भक्ति है उस भावोल्लासमयी भक्ति को मैं प्रदान करूं, ये उनके हृदय में अभिलाषा है। तो अनर्पित चरि माने कृष्ण स्वरूप में भी जो भक्ति नहीं दे सके या जिसको देने में आपके हृदय में संकोच रहा कि कोई अधिकारी मिले तो उसको भक्ति दूं, यहां पर उस भक्ति को प्रदान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु आप अवतरित हुए और महाप्रभु के स्वरूप में उन कृष्णचंद्र ने उस भावोल्लास में ही भक्ति को दी। अमृतचरी का तात्पर्य है भावोल्लास, मंजरी भाव, मंजरी भाव की जो भक्ति है वो प्रदान करने के लिए। चिरात्मा ने कृष्ण स्वरूप में भी उस भक्ति को वे नहीं दे पाए, क्यों कृष्ण स्वरूप में विचार करते रहे मुक्ति कर जिस मन भक्ति होगा मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते। करुण या
अब ये करुणा शब्द ये सब जगह लगेगा। उन श्री कृष्ण ने करुणा पूर्वक गौर होकर के अवतार धारण किया, करुणया उत्तीर्ण। फिर करुणा के द्वारा ही समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत उज्ज्वल रस वाली उस भक्ति को समर्पण किया। वो उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम आपकी भक्ति रूपी संपत्ति है और अपनी संपत्ति है, इसलिए मालिक का मालिक कौन, वो चाहे तो किसी को भी लुटा दे। तो अपनी उस अनर्पित चरी पहले जिसको नहीं दिया, कृष्ण स्वरूप में भी जिसको नहीं दिया, ऐसी अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को लुटाने के लिए जो पृथ्वी के ऊपर अवतरित हुए। उज्ज्वल रस वाली वो भक्ति है जिसमें उज्ज्वल कहने का तात्पर्य है कहीं कामदेव का या निज कामना का स्पर्श मात्र भी नहीं है, हर पर्व सुंदर है। वे श्री महाप्रभु सिंह के समान है, हरि है, हरि का एक अर्थ होता है शेर, वे सिंह के समान है। जैसे शेर की हुंकार मात्र सुनने से बड़े बड़े हाथी भी डर करके भाग जाए, इसी प्रकार यदि कोई श्री महाप्रभु का अपने हृदय में स्मरण करे तो कलयुग के जितने भी दोष रूपी हाथी वे अपने आप छोड़ करके भाग जाएंगे हृदय। हर पुरट सुंदर, वे पुरट सुंदर माने स्वर्ण के समान, पुरट कहते स्वर्ण, स्वर्ण के समान भी सुंदर होकर के विराजमान, अर्थात श्री राधा रानी ने उन्हें अपनी भाव और कांति दोनों प्रदान की है। श्री पुरुष स्वरूप में वे प्रेम का दान करते हैं और भाव को धारण करके, श्री राधा भाव को धारण करके अपने आस्वाद को स्वयं भोगते हैं। तो भाव और कांति, भाव को धारण करने के लिए वे राधे का भाव में विराजमान है और उस प्रेम का भी उन्मुक्त रूप से दान कर रहे हैं, इसलिए पुरट सुंदर है, स्वर्ण के समान सुंदर है। और उन सुंदर द्युति कदम, सुंदर जो कांति का समूह है उससे जो झलमला रहे हैं, संदीप का प्रकाशमान होकर के विराजमान है, ऐसे वे श्री शचिनंदन तुम्हारे हृदय कंदरा में स्फुरत में क्रीड़ा करें। जैसे शेर का कहीं आगमन हो तो गीदड़ अपने आप भग जाएंगे, ऐसे कलयुग के दोष भग जाएंगे। तो हृदय कंदरे, हृदय की कंदरा में, हृदय की उस जाल के भीतर देश के हरी विराजमान। एक राजा को बगीचा लगाने का बड़ा शौक, दूर दूर से कलम आकर के बगीचा लगवाए, पर तो कलम बगीचा बढ़ा नहीं। राजा इंस्पेक्शन करने के लिए आए, मालियों को डांट रहे हैं, बोल मालियों इतने दिन हो गए बगीचा बढ़ क्यों नहीं रहा है। सारे माली बोले माने क्या करें, एक हाथी ऐसा हिल गया है कि हम पेड़ लगाते हैं और रात को खा जाता है, कुचल जाता है पौधों को। पास में मंत्री जी खड़े हुए थे, उन्होंने कहा गुलमर एक काम किया जा सकता है, अपने बड़े बगीचे में जो शेर की मार है उसमें से एक शेर को पिंजरे में ला करके एक पिंजरे को यहां रख लो, हाथी आएंगे शेर डर जाएगा हाथी भाग जाएंगे। ऐसा ही हुआ, हाथी को रखा तो गीदड़ शेर की हुंकार सुन करके भाग गए, बगीचा बढ़ गया। ऐसे ही सदा हृदय कंदरे स्फुरत व शची नंदना, हृदय में कामना वासना रूपी गीदर भक्ति को नष्ट कर रहे थे, पर यदि कोई श्री
गौर हरि का नाम ले, महाप्रभु का नाम ले, तो महाप्रभु का नाम लेने पर कलयुग के जो दोष हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो बड़ा सुंदर श्लोक अलग फिर चाहिए। अन्य अवतारों में और कृष्ण अवतार में भी जिस भक्ति को आपने नहीं दिया था, चला जो भावोल्लासमयी मंजरी भावमयी भक्ति बहुत दिन से अनजानी थी, उस भक्ति को प्रदान करने के लिए करुणया अवतीर्णा श्री महाप्रभु का करुणा के द्वारा ही अवतार हुआ। और करुणा के द्वारा अवतार होकर के सबके ऊपर करुणा उन्होंने बताई वितरित की। महाप्रभु के प्रकरण में शैव है, महाप्रभु के प्रकरण में बहुत सारे वैष्णव हैं, श्री वैष्णव हैं, राम भक्त हैं, दुर्गा जी के भी भक्त हैं, परंतु महाप्रभु के भक्ति इतनी उदार कि सब लोग श्री महाप्रभु के आलिंगन को ग्रहण करें। तो करुणे अवतीर्ण, सबके ऊपर कृपा करने के लिए श्रीमद महाप्रभु अवतीर्ण हुए। कलौ, ये कलौ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कलौ का मतलब है कि हम लोग बड़े धन्य हैं जो हमको इस धन्य कलयुग में जन्म प्राप्त हुआ। कलौ का तात्पर्य है ये कलयुग परम परम धन्य जिसमें श्री महाप्रभु ने अवतार धारण किया। और कलयुग के जीवों को जो लाभ प्राप्त है वो सत्य त्रेता द्वापर में नहीं। नाम के बिना तो किसी भी युग में काम नहीं चलता था, पर तो सतयुग के लोगों को नाम में विश्वास नहीं था, वहां पर ध्यान में ज्यादा विश्वास था। त्रेता में उनको यज्ञ में ज्यादा, द्वापर में पूजन में ज्यादा था, नाम में नहीं था। परंतु कलयुग में कलयुग के जीवों को सहज रूप में ही श्री हरिनाम में विश्वास है, इसलिए करुणयावतीर्ण कलौ, करुणापूर्वक जो श्री कलयुग में अवतीर्ण हुए। और समर्पयतुमुद्दिन्नतोज्ज्वलरसां स्वकृष्णं, अपनी उज्ज्वल उज्ज्वल भक्ति रस को वे बांटना चाहते हैं। स्वकृष्णं का तात्पर्य है कि जैसे हाथी के ऊपर बैठ करके राजा अपनी प्रजा को जो निर्धन है उसको धन लुटा करके धनवान बना देता है, इसी प्रकार श्रीमद् महाप्रभु भी अकेले नहीं बैठे, अब राजा के साथ में उसके जो सेवक हैं उन वे सेवक भी बोरों से रत्नों को लुटाते हैं। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु ही केवल प्रेम का दान करते हैं, उसको बात नहीं, संपूर्ण गौर पर कर ही प्रेम का दान करता था। तो स्वभक्ति श्रेयम, अपनी भक्ति रूपी संपत्ति को अब स्व कहकर के दिखलाया कि मालिक का मालिक कौन है, अपनी भक्ति है उसको भी किसी को भी दान करना। पर पात्र पात्र विचार नहीं करते हैं, इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि अपात्र को दान देते हैं। महाप्रभु ऐसे हैं जो पात्र को पात्रता भी प्रदान करते हैं, अपात्र को पहले पात्रता प्रदान करते हैं फिर प्रेम का दान करते हैं। वे हरि हैं माने भक्तों के हृदय के पाप ताप इनको दूर कर देने वाले, भक्तों के हृदय को चुरा लेने वाले होकर के विराजमान है हरि। पूर्ण सुंदर है, वे स्वर्ण के समान अंग कांति वाले हैं, द्वितीय कदम संदीप्ता है, और जो प्रकाश रूपी समूह उससे संदीपित युक्त होकर के विराजमान है, द्वितीय कदम संदीप्ता सुंदर, जिनकी अंग कांति बाहर निकल रही है, श्री किशोरियों की जो गौर कांति है वो ही जहां बाहर प्रकट हो रही है, ऐसे विश्व प्रभु सदा मन सर्वदा सर्वदा हृदय कंदरे स्फुरत, हमारी हृदय रूपी कंदरा में विराजमान होंगे। यदि शेर बीच में आकर के विराजमान हो जाएगा तो भीतर अपने आप भाग जाएंगे, ऐसे हृदय कंदरा में यदि हरि श्री गौर हरि का स्मरण किया गया तो कलयुग के जितने भी दोष हैं वे अपने आप दूर हो जाएंगे। स्फुरत वश शचिनंदना, वे श्री शचिनंदन हमारे हृदय में स्फुरित। यहां पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ये किया गया,
जलद्वैत प्रबोध में श्री वस्तु निर्देश और श्री महाप्रभु भी ब्रह्म स्वरूप होकर के विराजमान है, प्रेम का दान कर रहे हैं, ये रूप बढ़ गया। अब आगे के 10 श्लोक जो है वे 10 श्लोक ही मंगलाचरण के रूप में ही विराजमान है, जिनमें श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विद्युतिर लादनी शक्ति रस्मा एक आत्मा भूपुरा देह भेदम गौ चैतन्याक्षम प्रकट मधुना तद्वयम चैकिमात्म राधा भाव द्वित सुवलितम नौ कृष्ण स्वरूप। श्री राधिका कौन है? उत्तर है कृष्ण प्रणय विकृति। श्री कृष्ण के प्रेम की विकृति का मतलब है विशिष्ट कृति, प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप श्री राधिका। प्रेम का इससे बढ़कर के कोई दूसरा स्वरूप, महाभाव से बढ़कर के प्रेम का कोई दूसरा स्वरूप नहीं हो सकता है। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति, श्री राधिका कृष्ण का जो प्रेम है उस प्रेम की विकृति माने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त है, गाढ़तम अवस्था को प्राप्त है। विकृति माने गाढ़तम अवस्था, अंतिम परिणति। लादनी शक्ति अस्मात् एकात्माना भक्ति भूत्वरा देव भेदं गतवतो। श्री कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है वो आह्लादनी शक्ति कृष्ण के साथ में एक है, परंतु फिर भी लीला करने के लिए उस आह्लादनी शक्ति को आपने श्री राशेश्वरी विश्वानंदिनी श्री किशोरी जी के रूप में, राधारानी के रूप में प्रकट किया। तो आह्लादनी शक्ति कृष्ण से एक आत्मा है, एक आत्मा होने पर भी भूमि पुरा देह वेदन तऊ पृथ्वी के ऊपर वो देव एक भेद को धारण करके विराजमान हुई, दो भेद धारण करके विराजमान हुई, माने प्रिया लाल दो होकर के विराजमान हुए। श्री प्रिया अलग नहीं है, श्री प्रिया कृष्ण की ही स्वरूप भूत होकर के विराजमान है। चैतन्य अक्षम प्रकट मदना तब द्वयम चैकी मातम। अब श्री चैतन्य नाम से तब द्वयम चैकी मातम वे दोनों एक होकर के विराजमान हुए हैं। चैतन्य अक्षम चैतन्य के नाम से प्रकटम अधना, उस समय अधना माने इस समय प्रकट होकर के वे दोनों जो पहले प्रकट हुए थे अब दोनों राधा कृष्ण मिलकर के एक हो गई है। चैतन्य नाम से वे दोनों एक होकर के विराजमान हुए। चैतन्य कौन? बोले चेतैति चैतन्य, जो भक्तों में प्रेम की चेतना प्रदान करे उसका नाम चैतन्य। अर्थात सबको प्रेम भक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो चैतन्य अक्षर चैतन्य नाम करके प्रकट मधुना तद्वयम चैकी मातम वे राधा कृष्ण दोनों एक सार को प्राप्त करके विराजमान है, माने एक स्वरूप में राधा कृष्ण दोनों विराजमान है। ये राधा कृष्ण मिलतम राधा भाव द्वित सुवलितम, श्री राधिका का भाव और अंग कांति दोनों से सुवलित होकर के वे विराजमान है। भाव को धारण करके तो प्रेम लक्षण भक्ति देंगे और श्री राधिका अंग द्वित सुवलित होकर के स्वयं श्री कृष्ण के माधुर्य का वे आस्वादन प्राप्त करेंगे। नौमी कृष्ण स्वरूप ऐसे ही श्री कृष्ण स्वरूप उनकी हम वंदना कर रहे हैं। राधा कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक हैं और वे एक होकर के विराजमान हुए। बोले श्री राधा कृष्ण को चंद्र की जय। तो राधा भाव द्युत सुवलितम, राधिका के भाव और द्युति इनसे युक्त होकर के कृष्ण नौमी कृष्ण स्वरूप, अर्थात श्री महाप्रभु तत्वतः कृष्ण है परंतु भाव और द्युति इनको उन्होंने धारण कर रखा है कृष्ण।
मुंग कृष्ण स्वरूपम, अर्थात कृष्ण आश्रय जाति भाव का आस्वादन लेने के लिए श्री राधिका भाव द्वितीय से युक्त होकर के प्रकट हुए हैं। कृष्ण अवतार के ही परंपरा में एक इतिहास क्रम में जिस द्वापर में कृष्ण का अवतार होता है उसी के आगामी कलयुग में कृष्ण लीला के परिशिष्ट रूप में ही श्री गौरचंद्र का भी आविर्भाव होता है। ऐसे कृष्णचंद्र की हम वंदना कर रहे हैं। ये श्री महाप्रभु के अवतार का कोई सामान्य प्रयोजन निरूपण किया, एक सामान्य प्रयोजन निरूपण किया था कि वे प्रेम रस का दान करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। श्री राधा भाव द्वित सुमिलित होकर के भी विराजमान है। अब श्रीमद महाप्रभु के अवतार का गुण प्रयोजन निरूपण करते हैं। सामान्य अवतार है स्वभक्त श्री का दान, विशेष जो उनके अवतार का प्रयोजन है वो है अनर्पित चरित्र प्रेम लक्षणा भक्ति का दान। जो धर्म का प्रचार करना एक सामान्य प्रयोजन, प्रेम भक्ति का दान करना ये मुख्य प्रयोजन, और सर्वाधिक मुख्य प्रयोजन है वो है अंतरंग प्रयोजन, अपनी किसी उस अभिलाषा को पूरा करना जिस अभिलाषा को वे कृष्ण स्वरूप में भी पूरा नहीं कर सके। श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशो वाने वो आस्वाद्यो ये नाम मृत मधुर माँ की दृशो वा मदीय सौक्षम चास्या मदन भक्त की दृशो वीति लोभा तद भावाद्य समझन शचि गर्व सुंदौ हरिंदु। अब श्री महाप्रभु की तुलना की जा रही है एक चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा का समुद्र से जन्म होता है इसी प्रकार श्री महाप्रभु का भी इस पृथ्वी मंडल पर जन्म हुआ। श्री शांतनंद के हृदय में तीन अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाई थी, उन तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए श्रीमद महाप्रभु ने जन्म लिया। पहली अभिलाषा थी श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशा, ये पूरा एक अध्याय आएगा इसकी व्याख्या में, अभी तो ये तो यहाँ पर केवल वंदना मात्र सूची मात्र दे रहे हैं, फिर के कृष्णों की आगे के अध्यायों में तीनों अध्यायों में महाप्रभु के अवतार का सामान्य प्रयोजन, महाप्रभु के अवतार का विशेष प्रयोजन और महाप्रभु के अवतार का अंतरंग प्रयोजन, इन तीनों अध्यायों में पूरे पूरे अध्यायों में उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर केवल मंगलाचरण संक्षिप्त में कर रहे हैं कि श्री शांतनंद के हृदय में निकुंज मंदिर में तीन अभिलाषाएं पूर्ण नहीं हो पाई थी। पहली अभिलाषा थी कि श्री राधिका की प्रेम की महिमा कैसी है इसको मैं जानूं। प्रेम की महिमा का तात्पर्य है कि जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए मैं भी नत बन जाता हूं वो प्रेम की महिमा कैसी है। प्रेम की महिमा कहने में ये दिखा रहे हैं कि ज्ञान में कहीं ब्रह्म सायुज होता है परंतु भक्ति में ब्रह्म सायुज नहीं है, वहां ब्रह्म से दूर रहकर के भी उस प्रेम का आस्वादन होगा। जैसे कागज की माचिस में माचिस अलग है कागज अलग है तीली अलग है, इसी प्रकार श्री राधिका की प्रणय महिमा ये कैसी है इसको दिखा रही है कि मैं भी उनका शिष्य नत बन करके विराजमान हो जाता हूं। तो श्री राधिका की एक प्रेम महिमा, दूसरी ये है कि मैं तो श्री राधिका का दर्शन करके केवल विभल मात्र होता हूं, राधिका अज्ञान माने उनको अपने देह की भी सुध बुध नहीं रहती, ये मेरे प्रेम की अपेक्षा राधिका प्रेम की अतिशय उत्कर्षता है। तो श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है
इसको मैं जानू कि मैं जिसका दाई बन जाता हूं, जिसका चित्रकार बन जाता हूं, और जो प्रेम ऐसा है जो कि कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है साक्षात भक्ति के द्वारा भी, वो भक्ति उन्होंने रागानुक्ति का भक्ति कृपा करके मुझे प्रदान की। और दूसरी अभिलाषा है स्वाध्यो ये नाम मृत मधुरमा की दुशोवा मदिया, मेरा अपना स्वरूप ऐसा कैसा है जिसके द्वारा मैं श्री राधिका की महिमा का आस्वादन ले पाऊं। स्वाध्यो ये नाम मृत मधुरमा, श्री राधिका के प्रेम की महिमा वो मेरे लिए आस्वाद बनती है, वो महिमा कैसी है। तो पहली अभिलाषा थी कि श्री राधिका के प्रेम की महिमा को जानना, दूसरी अभिलाषा थी कि मेरा अपना प्रेम कैसा अद्भुत है जो राधिका को प्राप्त करता है। और सब तीसरा प्रेम वर्णन कर रहे हैं कि संक्षण चास्या मदन भवता की दृशोवेत लोभात, कि श्री राधिका को जो सुख है वो सुख निसंदेह मेरे सुख की अपेक्षा अधिक है। माने आश्रय जाति सुख की विशेषता, विषय जाति सुख की भी अपेक्षा। कृष्ण है प्रेम के विषय, श्री राधा रानी है प्रेम के आश्रय। श्री राधिका को जो सुख की प्राप्ति कृष्ण को हो रही, वो देख करके हो रही है, वैसे सुख की प्राप्ति स्वयं कृष्ण को भी नहीं हो रही है। इसलिए अपने स्वरूप को देखकर के वैसे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है जैसी राधिका के प्रेम के लिए हो रही है। इसलिए श्री राधिका के सुख को जानने के लिए आप गौर हरि होकर के अवतार धारण कर रहे हैं। तद भाव आदि संजय शचि गर्भ सिंधु हरिंदु श्री शची माँ के गर्भरूपी समुद्र से वे श्री हरि रूपी इंदु प्रकट हुए, उनकी जय हो जय। अब ये महाप्रभु की वंदना हो गई। इस तरह से छह श्लोकों में महाप्रभु की वंदना की। पहले दो श्लोकों में तत्व की वंदना, एक सबीज एक निर्बीज, और दूसरे श्लोक में दूसरे से जो चार श्लोक हैं उन चार श्लोकों में श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप का उन्होंने निरूपण किया। जैसे पहले श्लोक में वे ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं, ये बात निरूपण की। दूसरे श्लोक में वे परम कृपालु हैं, उस कृपालुता का वर्णन किया कि अनर्पचरी भक्ति का दान करने के लिए वे अवतरित हुए। अब श्री नित्यानंद प्रभु की एक श्लोक में वंदना कर रहे हैं, बोलो श्री नित्यानंद चंद्र की जय। संकर्षण तोताई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषश्यश्यांश कला सदित्या मंदाक्ष राम शरण मास्तु। कह रहे हैं संकर्षण कारण तोषाई, भगवान ने पुरुष अवतार धारण किया और पुरुष अवतार ने अपनी शक्ति माया को अपने साथ में लिया। जत्रहे पौरुषम रूपम भगवान मेहदादेवी, श्री भगवान ने पौरुष अवतार धारण किया और मेहद आदि से युक्त जो सोलह कला वाला स्वरूप है अर्थात मन और एकादश इंद्रिय, इनके स्वरूप को आपने धारण किया, वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि श्री संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तीन पुरुष हैं, श्री कृष्ण के ही तीन भेद हैं संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। संकर्षण प्रकृति अंतर्यामी है, प्रद्युम्न ये गर्भोदशाई है, ब्रह्मा के अंतर्यामी होकर के विराजमान, और श्री विष्णु ये त्रिगुण के अंतर्यामी होकर के विराजमान है, सत्वरज के अंतर्यामी होकर के विराजमान है। इनमें देवर्षि नारद इत्यादि कलावतार हैं और श्री कृष्ण आप स्वयं
अवतारी होकर के विराजमान है। तो संकर्षण कारण तो शाही श्री संकर्षण भगवान कारण समुद्र उनमें शयन करने वाले हैं, और गर्भोदशाही ये नित्यानंद प्रभु का वर्णन चल रहा है। अब वंदना जो चल रही है ये नित्यानंद प्रभु की, गर्भोदशाही पयोदशाही श्री नित्यानंद प्रभु ही गर्भोदशाही होकर के विराजमान हुए, जिनके फण के छत्ता के ऊपर एक सरसों के समान पृथ्वी रखी हुई है, उनको कोई परवाह नहीं है। तो जो गर्भोदशाही श्री प्रद्युम्न गर्भोदशाही होकर के विराजमान है, और क्षीरोदशाही श्री विष्णु क्षीरोदशाही होकर के विराजमान है, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवताओं को जब जब भी आपत्ति आती है तब वे क्षीरशाही भगवान इनका आश्रय ग्रहण करके अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो क्षीरोदशाही पयोधिशाही वे पयोधि माने क्षीर समुद्र में भी गर्भोदशाही क्षीर समुद्र में भी शयन करने वाले हैं। कारणारंभशाही हो गए संकर्षण प्रकृति के अंतर्यामी, गर्भोदशाही हो गए प्रद्युम्न ये हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा के अंतर्यामी हैं, और श्री क्षीरोदशाही वे हो गए विष्णु ये क्षीर समुद्र में शयन करने वाले हैं, और ये जीव मात्र के अंतर्यामी होकर के विराजमान है। और एक चौथा स्वरूप और है, वो है शेषस्य अस्यांश कला, विशेष भगवान होकर के भी विराजमान है, शेष जिनकी अंश कला होकर के विराजमान है। अंश का तात्पर्य है कि जहां पूर्ण शक्ति विराजमान है, कला का तात्पर्य है अंश का अंश। सो जगत का पालन करने के लिए भगवान तो स्वयं शेषैया के ऊपर विराजमान हो रहे हैं, वे तो हो गए वैभव कला, और उन श्री विष्णु की ही संकर्षण की ही प्रद्युम्न की ही वैभव होकर के शेषनाग विराजमान हुए, इसलिए शेष हो गए उनके कला विशेष। सचैतन्य राम चैतन्य स नित्यानंदाक्ष राम शरणम ममोस्तु, वे श्री नित्यानंद नाम करके जो विराजमान हैं, वे नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो। श्री नित्यानंद प्रभु की वंदना की, नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करते हुए विराजमान हो।